हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। मैं विनोद वैष्णव फिर से स्वागत करता हूँ आपका वैष्णव क्लासेज में। तो चलो, आज हम वापस वही प्रश्नावली पढ़ने जा रहे हैं जो हम पिछली बार स्टार्ट की थी। प्रश्नावली का नाम है वास्तविक संख्याएं, जो हमने 1.1 तो पहले पढ़ ली। अब आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 1.2। अब देखो, 1.2 प्रश्नावली और 1.1 प्रश्नावली। 1.1 प्रश्नावली वो HCF और LCM वाला था जो आप सबने पढ़ लिया। अगर नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप जल्दी से उसको देखो। ठीक है, अब देखो, अब बात है आज 1.2 प्रश्नावली की। अब 1.2 प्रश्नावली में आपको बस सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय संख्या क्यों है। ठीक है, इसमें कुछ आपको दे रखा, जैसे अंडर रूट 5, कुछ प्लस माइनस में भी दे रखा, कुछ मल्टीप्लाई में भी दे रखा होगा अंडर रूट के, कुछ अंडर रूट के भाग में भी दे रखा होगा। तो आपको बस वही चीज़ें सिद्ध करनी है कि भाई ये क्यों है। ठीक है, अब चलो, अब हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखो, अपरिमेय संख्याएं और परिमेय संख्या में जो सबसे बड़ा अंतर है वो है बस कि परिमेय संख्याओं को पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन अपरिमेय संख्याओं को पी बटा क्यू के रूप में कभी नहीं लिख सकते। ठीक है, चलो अब देखो, मानना पहला क्वेश्चन क्या है कि सिद्ध करो कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब देखो, अगर सिद्ध कुछ करना है अपरिमेय संख्या, तो पहले उसका विपरीत चीज मान लो। तो देखो क्या है, मानना मानना अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, पी बट्टा क्यू के रूप में, ए बट्टा बी, जहां बी क्या नहीं होना चाहिए, जीरो। बस बी क्या नहीं होना चाहिए, जीरो। तो चलो अब हम आगे लिखते हैं कि ए और बी जो हमने ये माना है वो क्या है, ए और बी दोनों क्या है, पूर्णांक। क्या है, पूर्णांक है। अब ए और बी दोनों क्या है, पूर्णांक है। अगर देखो पूर्णांक है और क्या है, तथा ए व बी दोनों का एक उभयनिष्ठ क्या है, एक उभयनिष्ठ गुणन खंड के एक मिनट रुको, इसको हम ऐसे लिख देते हैं कि एक के अतिरिक्त, एक के अतिरिक्त एक के अतिरिक्त कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। एक के अतिरिक्त कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब देखो क्या हुआ कि दोनों दोनों क्या है, पूर्णांक है, और दोनों में एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, ये चीज हमने मानी है। ठीक है, समझ गए। अब देखो, अगर मान लो कि ये चीज सत्य है तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ए बराबर √5 बी। तो मैं इसका स्क्वायर भी कर सकता हूं अगर पूर्णांक है तो।
रूट पाँच का स्क्वायर पाँच बी स्क्वायर। अगर मान लो कि मैं अगर इसको ऐसे लिखूं तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो चीज़ बी के मल्टीप्लाई में है वो एक के डिवाइड में भी तो जा सकती है ना। ठीक है, तो देखो इससे हमें क्या पता चलता है कि पाँच ए स्क्वेयर को विभाजित करता है, अतः पांच ए को बी विभाजित करेगा। ए को भी विभाजित करेगा। अब देखो अगर जो चीज अगर उसके स्क्वायर को विभाजित करती है वो उसके वर्गमूल को भी विभाजित करेगी। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो अगर मैं मानना ए बराबर पांच के, जहां के क्या है पूर्णांक, और मैं इसको क्या मान लेता हूं समीकरण एक, समीकरण एक में रखने पर। अब अगर मैं मान लो मैं समीकरण एक में अगर ये मान रखूं यहां पर, तब क्या होगा 5k स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर। तो मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व करके लिख देता हूं k स्क्वायर बराबर b स्क्वायर बट्टे 5, यही होगा, क्योंकि यहां पर 5 का 25 25 से गया, यहां पर 5 एक्स्ट्रा आएगा और वही 5 में b के रूप में लगा दिया b के नीचे। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि 5 बी स्क्वेयर को भी विभाजित करता है, अतः 5 बी को भी विभाजित करेगा। B को भी विभाजित करेगा। अब देखो हमारे पास दो स्टेटमेंट है, कौन कौन से दो स्टेटमेंट है, दो स्टेटमेंट है कि एक तो कि 5 A को विभाजित करेगा और 5 B को विभाजित करेगा। ठीक है, ये दो, जबकि हमने पहले माना क्या था कि ए और बी का एक के अतिरिक्त कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, जबकि हमारे पास क्या गुणनखंड आया 5, एक के अलावा कौन सा आया था 5। तो हम कह सकते हैं कि तो नहीं, अतः अतः ए बी दोनों का एक के अतिरिक्त
अतिरिक्त क्या आया था? अतिरिक्त 5 एक और गुणन खंड है जो कि हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण है। वह त्रुटिपूर्ण कल्पना कौन सी थी? रूढ़ 5 एक परिमेय संख्या है। यह हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना थी जो कि या फिर जो जो विरोधाभास है। अतः रूढ़ 5 एक अपरिमेय संख्या है। अब देखो बात क्या है कि हमने जो कल्पना मानी थी कि रूढ़ 5 एक परिमेय संख्या है, उसका यहाँ पर ये विरोधाभास हो गया कि एक के अतिरिक्त 5 एक और गुणनखंड है जो कि हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण है। और त्रुटिपूर्ण कल्पना कौन सी थी कि रूढ़ 5 एक परिमेय संख्या है जो विरोधाभास है, अतः रूढ़ 5 एक अपरिमेय संख्या है। बस इतना ही था। तो आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सिद्ध करो तीन प्लस दो रूट पांच एक अपरिमेय संख्या है। हमें ये सिद्ध करना है। तो वही बात, सबसे पहले हम कल्पना करते हैं। कल्पना, चलो कल्पना कौन सी है? 3 प्लस 2 रूट 5 एक क्या है? परिमेय संख्या है। ये हमने कल्पना कर दी कि रूट पांच एक क्या है, सॉरी रूट पांच क्या, सॉरी 3 प्लस 2 रूट 5 क्या है? एक परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या है तो हम मान लेते हैं 3 प्लस 2 रूट 5 बराबर a बटा b, जहां b क्या नहीं होना चाहिए, 0। अब इसको आगे सोल्व करते हैं। तो देखो क्या करेंगे कि रूट 5 बराबर a बटा b माइनस 3, ठीक है। अब 2 को भी उस तरफ अगर मैं ले जाऊं, रूट 5 बराबर 1/2 कोष्टक a बटा b माइनस 3, ये समीकरण 1। अब देखो सबको पता है कि ये एक परिमेय संख्या है, ठीक है। परिमेय संख्या क्यों है? क्यों? क्योंकि a और b दोनों क्या है? पूर्णांक, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ कि a b दोनों क्या है? पूर्णांक है।
ये भी दोनों क्या है, पूर्णांक। अब देखो आगे क्या है कि समीकरण एक के अंदर आप इसको गौर से देखो, ये एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है क्या है, परिमेय संख्या। तो कह देता हूं कि समीकरण एक में एक बटा दो कोष्टक ए बटा बी माइनस तीन पद एक क्या है, परिमेय संख्या। क्या है, परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो रूट पांच भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, होनी चाहिए। होनी चाहिए नहीं, होगी। परिमेय संख्या होगी जबकि सबको पता है, जबकि ये रूट पांच क्या है, अपरिमेय संख्या। जबकि रूट पांच एक अपरिमेय संख्या है, रूट पांच एक अपरिमेय संख्या है, सबको पता है। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है कि इस संख्या के कारण यह परिमेय कर रही है, ठीक है। तो अगर यह परिमेय कर रही है तो भाई इसको मना कर दो, भाई तू परिमेय नहीं है, तो चलो मना कर देते हैं। मना करने का तरीका क्या है, बस सॉरी मांग लो कि भाई गलती हो गई हमसे। यह हमारी, यह हमारी त्रुटिपूर्ण त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ कि तीन प्लस दो रूट पांच एक क्या है, परिमेय संख्या है जो कि तीन प्लस दो रूट पांच एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, समझ गए। चलो इसको नोट डाउन करो।